बड़ी खबर आपको बता दें, अवैध कॉलोनियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। ग्वालियर से बड़ी खबर, अवैध कॉलोनियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। बुलडोजर से 10 अवैध कॉलोनियों के अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए गए हैं। बेटा, खेरिया, मिर्धा क्षेत्र से लगभग 13 करोड़ रुपए बाजार मूल्य की बेशकीमती सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई गई है। अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई जा रही है। अतिक्रमण करने वालों में जिला पंचायत अध्यक्ष के पति भुजबल सिंह यादव भी शामिल हैं। तो अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चल गया है। बता दें 10 अवैध कॉलोनियां जिनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की है। 13 करोड़ रुपए बाजार मूल्य की बेशकीमती सरकारी अवैध जो कॉलोनियां थी उस पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। जावेद खान ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ गए हैं। जावेद, जिस तरह से बात करें, अभी तक तो हम देख रहे थे गुंडे बदमाश भू माफिया इन पर जो है वो प्रशासन का बुलडोजर चल रहा था, लेकिन अभी जो अवैध कॉलोनियां हैं, कौन कौन से अवैध कॉलोनियां जिन पर प्रशासन जो है वो अब सख्त हो रहा है? जी बिल्कुल, पूरे प्रदेश की तरह ग्वालियर में भी एंटी माफिया मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत ग्वालियर में जो जमीनें चिन्हित की गई हैं जिन्होंने भू माफिया पर कब्जा कर रखा है, उसके तहत ग्वालियर के जो आसपास के क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ कॉलोनियां काटी जा रही हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं उसमें राजनीतिक लोग भी शामिल हैं और कुछ दबंग लोग हैं जिन्होंने कि अवैध रूप से कॉलोनियां काटी हैं और उसको बेचा है। तो इस तरीके की जो कार्रवाई, कल बड़ी कार्रवाई हुई है जिसमें कि जो मिर्जापुर, खेड़िया और खड़ियार क्षेत्र में जो कार्रवाई की गई है वहां पर कॉलोनी काटी जा रही थी। MPV के पोल्स भी लग गए थे जिनको हटाया गया है और ये करीब 10 जगह पूरी एक साथ एंटी माफिया मुहिम चलाई गई है, बुलडोजर चला है और इसमें 16 करोड़ रुपए की संपत्ति जो मुक्त कराए जाने का प्रशासन ने दावा किया है और ये मुहिम लगातार चल रही है। लेकिन खास बात है कि प्रशासन की जो मुहिम चल रही है वो जो शहर में जो अतिक्रमण है, बहुत सारे जो माफियाओं ने कब्जे कर रखे हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन इसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर जो चुन चुनकर एंटी माफिया मुहिम चलाई जा रही है और जो प्रभावशाली हैं उनमें से कुछ लोगों को लिया गया है, लेकिन जो असरदार लोग होते हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती। प्रशासन की कार्रवाई पर भी पक्षपातपूर्ण आरोप लग रहे हैं। अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ FIR भी दर्ज हो रही है। 16 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई है। अब देखना होगा आगे कौन कौन सी कॉलोनियां शामिल होती है जिन पर प्रशासन जो है एक बड़ी कार्रवाई करता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।